हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों भारतीय टीम जो कि 2022 में जाने वाली है साउथ अफ्रीका दौरा पर, जहां पर खेलेगी टेस्ट, वनडे और टी20 का मुकाबला। जी हां दोस्तों, बात करें टी20 मुकाबला, तो दोस्तों चार टी20 मुकाबला खेलने वाली है भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों बताएंगे कब और कहां खेला जाएगा यह सभी मुकाबला और भारतीय टीम की संभावित स्क्वाड क्या होगा टी20 का। तो दोस्तों इसी पर आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हैं। वही दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया का सपोर्ट करते हैं तो यह वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें साउथ अफ्रीका भारत के बीच खेले जाने वाले टी20 मुकाबला, जो कि जनवरी में होने वाला है। जी हां दोस्तों, 19 जनवरी को पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा और चौथा और आखिरी टी20 मुकाबला जो कि 26 जनवरी को खेला जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड जो कि टी20 मुकाबला के लिए जा सकती है साउथ अफ्रीका, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होंगे। रोहित शर्मा जो कि कप्तान है भारतीय टीम के टी20 का, केएल राहुल जो कि वाइस कैप्टन है भारतीय टीम का टी20 का, विराट कोहली जो कि वापस करते हुए नजर आ सकते हैं टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की टीम की तरफ से, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल, युजेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन और रविचंद्रन अश्विन। जी दोस्तों, यह हो सकता है भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन कौन से खिलाड़ी को मौका मिलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।